हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ किस तरीके से इनकमिंग कॉल फ्लैश लाइट को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाला हूँ। मेरे पास है रेडमी नोट 9, आप देख सकते हैं, और इसमें आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने फ़ोन में जो कि इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप उसका मतलब आपका जो इनकमिंग कॉल आता है उसको फ्लैश लाइट को ब्लिंक कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेटिंग में। तो मेरा सेटिंग कहाँ है, डायल पैड में जाते हैं। डायल पैड में जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जिसको बोलते हैं इनकमिंग कॉल सेटिंग, तो इस पर क्लिक करना है। और इसमें एडिशनल सेटिंग इनकमिंग कॉल ऑप्शंस दिखता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग दिखता है, फ्लिप साइलेंसर रिंगर आपको दिखेगा, इसको भी इनेबल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फ्लैश लाइट इनकमिंग कॉल, जैसे कि कॉल आएगा तो आपको फ्लैश लाइट जलेगा, तो इसको आपको ओपन कर देना है। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में जो कि फ्लैश लाइट को ओपन कर सकते हैं। अगर सेंसर प्रॉक्सी सेंसर बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, और ये जो सेंसर यहाँ पे होता है बंद हो जाएगा। लेकिन इसको ऑन करके रखे तो ज़्यादा बेटर होता है, इससे काफ़ी हेल्प होता है काफ़ी चीज़ में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में फ्लैश लाइट इनकमिंग कॉल फ्लैश लाइट को इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ से बैक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखता है। अगर आप चाहते हैं ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग तो इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। सभी कॉल को रिकॉर्ड करता है यहाँ से सिंपली, अगर जो सेव होगा वो भी, जो सेव नहीं होगा वो भी। अगर आप चाहते हैं जो सेव नहीं है सिर्फ उसी का रिकॉर्ड करे, तो सिर्फ अननोन नंबर पे क्लिक करेंगे तो वो वही को रिकॉर्ड करेगा जिसे आप जो सेव नहीं होगा। तो इस प्रकार से इन फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।